अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी देखिए, आज मैं हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ, और आज का व्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है। और अभी जो है मैं हूँ घर पे, और अभी बज रहे हैं यहाँ पर 12:30, और मुझे अभी जाना है मार्केट। और मैं मार्केट क्यों जा रही हूँ मैं आपको ये अभी आगे अपने व्लॉग में बताऊँगी। और आज का डे है ना कुछ बहुत स्पेशल है। तो जी बस अभी हम लोग घर से निकले, मैं और अब्दुल मन्नान दोनों निकले हुए हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है, और लेकिन निकलना भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैं और अब्दुल दोनों बाहर आए हुए हैं। लेकिन हमने ना पूरा अपने आप को कवर करके धूप से फुल प्रोटेक्शन लेके हम लोग बाहर निकले हैं। और मुझे एक्चुअली क्या है कि मार्केट में ये काम था कि मुझे लेने थे गिफ्ट्स, है ना, और मैं गिफ्ट इसके लिए ले रही हूँ। तो जी गिफ्ट मैं ले रही हूँ अपने अम्मी बाऊजी के लिए, क्योंकि आज है कुछ स्पेशल डे, और आज है मेरे अम्मी बाऊजी की एनिवर्सरी। हाँ जी, तो देखें मैं आ गई मार्केट। तो मैं ना सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ अम्मी को चिकनकारी में कुछ सूट्स या कुर्ते वगैरह दे दूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ साइज़ का इशू था, तो पसंद नहीं आ पाए थे मुझे, और साइज़ भी नहीं था। फिर मैं आगे मार्केट गई, वहाँ से फिर मैंने अम्मी के लिए जो है ना मैंने सूट ही लिया, और बाऊजी के लिए भी मैंने फिर बहुत सोचा, तो फिर एक गिफ्ट ना मैंने बाऊजी के लिए लिया था। और यहाँ पर देखिए, बस हम घर आ गए हैं, और अभी दो तीन बज रहे हैं, और यहाँ पर बस जो मैं गिफ्ट्स लाई थी वो मैं पैक कर रही हूँ, ये अब्दुल मन्नान साहब पैक कर रहे हैं। तो बाऊजी को भी ये था ना, जेंट्स लोगों को समझ में नहीं आता क्या दें, और बाऊजी वगैरह को तो बस मैं सोच रही थी, तो बस मुझे रैंडमली ख्याल आ गया कि मेरे बाऊजी को जो है वो परफ्यूम्स दियो, और ये बहुत पसंद है खुशबू लगाना। तो बस मैं बाऊजी के लिए एक परफ्यूम लेकर आई थी, क्योंकि मेरे बाऊजी को परफ्यूम लगाने का बहुत शौक है। तो बस जी यहाँ पर ये छोटा सा बस मैंने छोटी छोटी सी दो गिफ्ट्स खरीद लिए थे अम्मी बाऊजी के लिए, और यही सारी चीज़ें होती हैं यार जो बस माहौल बना देती हैं। खुशियाँ हम लोग जो हैं वो बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जो खुशियाँ होती हैं ना वो घर में ही होती हैं। तो जी देखें, यहाँ पर मैं हो गई तैयार, और मैंने पहले ना अपना ये वाला आउटफिट पहना था, लेकिन फिर ना ये आउटफिट जो था मुझे बहुत टाइट हो रहा था, क्योंकि गर्मी भी हो रही थी, तो मैंने वो चेंज कर लिया, ठीक है। और जे अब हम आ गए अपने घर, यानी कि अपनी अम्मी के घर, और बस यहाँ पर जो है खाना बन रहा है। और देखिए ये भी ऑफिस से इधर ही आ गए, और यहाँ पर जो है ना खाने में आज स्पेशल इनकी फरमाइश पे आज खाना बन रहा है। और आज इन्होंने जो है ना स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई बिरयानी, कोरमा या चिकन या कुछ भी नहीं बनेगा, और आज मेरी पसंद का खाना बनेगा। तो जी बस खाना वगैरह बन गया है, सब तैयार था, और अभी बज रहे हैं 9, और बस सब लोग हम तैयार हो गए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए हमारी बेटियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और बेटियों से ही घर में रौनक होती है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग तैयार होती हैं। तो ये माशाल्लाह तीनों बहुत प्यारी लग रही थी। और देखें, ये पता है बाबूजी से आके क्या कह रही थी कि बाबूजी आपका क्या बर्थडे है आज। और बस अब यहाँ पर जो है देखिए सब लोग आ गए, और बस यहाँ पर अब केक कट रहा है। यहाँ पर जो है ना केक कटने के बाद बस अब यहाँ पे हो रहा है मुंह मीठा। तो जी मैं आपको बताऊँ, जो मेरे बाबूजी हैं ये गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन अभी रिटायर हो गए हैं। अभी 2 साल हुए मेरे बाबूजी को रिटायर हुए, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और अम्मी बाबूजी को, और पता है सबसे मज़े की बात, बाबूजी ना बिल्कुल भूले हुए थे, बाबूजी को याद ही नहीं था कि आज जो है इनकी एनिवर्सरी है। ये
अभी रुक जाओ खिलाने दो, चलो खिलाओ। यहाँ पर ना क्या होता है कि दो साल से तो वैसे भी कोविड में टाइम जा रहा था, तो बस ऐसे ही कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और देखें यहाँ पर ये जो ये है गिफ्ट, तो ये जो है ना बालियाँ रखी हुई थी। अभी अम्मी जो हैं अभी एक हफ्ते पहले अपने कानों के लिए बालियाँ लेकर आई थी, तो अम्मी बोली अच्छा ठीक है कोई नहीं आप गिफ्ट नहीं लाए तो यही मुझे दे दीजिए। तो बाबूजी ने जो है ये वाली जो अम्मी की कानों की बालियाँ थी ये अम्मी को गिफ्ट दे दी। और इसके बाद ये देखें ये हुमाम साहब जो हैं ये भी गिफ्ट लाए थे, मैं भी सब लोगों ने जो जो मतलब हमें गिफ्ट देने थे वो हमने दे दिए, बहुत अच्छा लगा। और एक दो घंटे के लिए सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, भाभी वगैरह सब लोग बहुत खुश हो गई थी। और माशाल्लाह से यही रौनक है और यही खुशियाँ होती हैं घर में, तो बस हम लोगों को खुशियाँ जो है ना वो बाहर नहीं तलाशनी चाहिए, खुशियाँ अपने घर में ही होती हैं। और कोशिश करना चाहिए कि हम लोग खुश रहें और अपने माहौल आसपास जो माहौल है उसको खुशगवार बनाएं। तो जी बस देखें यहाँ पर सब केक वगैरह कट गया है, खाना हम लोगों ने बना के रख दिया था और उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, बहुत इंजॉय किया। तो आप लोग अगर इस वीडियो को मेरी को देख रहे हैं या मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो देखें ये जो परफ्यूम है ना जो मैंने बाबूजी को दिया है, ये बाबूजी का फेवरेट परफ्यूम है। और जब हम छोटे से थे ना, छोटे छोटे थे घर में बहन भाई, तो हम लोग ये वाला परफ्यूम जब बाबूजी लगाते थे ना तो हम सोचते थे कि हम भी लगा लें। और इसकी जो खुशबू है ना वो अभी तक वही खुशबू है जो हम बचपन में खुशबू इस परफ्यूम की जो रहती थी। और जब भी मैं इस वाले परफ्यूम को लगाती हूँ, हालांकि मैं अपने यहाँ भी इसको यूज़ करती हूँ, तो मैं जो है ना अपने वही बचपन वाले उसमें चली जाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी नहीं भूल पाते, कुछ खुशबू कुछ पल। तो जी देखें यहाँ पर ये मैं अम्मी के लिए ना दो तीन शॉप पे घूमी, तो फिर मुझे लास्ट में ये जो कॉटन वाला सूट है इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत सा था, मलमल का इसका दुपट्टा था और ये बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं अम्मी के लिए फिर यही ले आई क्योंकि अभी गर्मियों का भी टाइम है। तो जी बस यहाँ पर सब केक कटिंग और केक खिलाना आपस में सब लोगों का चल रहा है। और यहाँ पर देखिए अब है खाने का टाइम यानी कि डिनर, और डिनर में आपको पता है बनी है पूड़ी और आलू की सब्ज़ी और बनी है यहाँ पर फिरनी। ठीक है जी, तो आज जो है खाने जो यहाँ पर जो खाना था ना वो आज बना था मेरे हस्बैंड के पसंद का। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया आज इनका मन था कि आज जो है हम यही खाना खाएंगे, तो बस यहाँ पर अब चल रहा है डिनर टाइम। बहुत मज़े की आलू की सब्ज़ी होती है, ये बिल्कुल जो शादियों वाली आलू की सब्ज़ी होती है ना ये वैसी ही बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, सब लोगों को खाना बहुत टेस्टी लगा। प्योर वेज खाना चल रहा है आपकी, और ये जो खाना चल रहा है ना ये इनकी फरमाइश पे चल रहा है, इन्होंने दोपहर में ही बोल दिया था कि आज जो है कोई बिरयानी कोई चिकन कोई कोरमा नहीं बनेगा आज, सब्जी पूरी और खीर। हाँ तो आज ये इनकी फरमाइश पे स्पेशल खाना बनाया गया है और ये हमारे आमिर भाई बैठे हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्रेट इंडियन फूड है, ग्रेट इंडियन फूड। चल चूटा। यहाँ पर माशाल्लाह सब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोगों ने खाना खा लिया, हम लोगों ने भी। और अभी जो है रात का टाइम हो रहा है, करीब 10:30 बज रहे थे, और बस अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से कुछ देर में खाना वाना खाने के बाद। और बाबूजी भी कह रहे थे कि चलो बाहर चल रहे हैं कुछ खा पी के आते हैं, तुम लोगों को कुछ आइसक्रीम वगैरह खिला लाएँ, लेकिन ये है कि फिर हम लोग बाहर नहीं गए और घर पे ही यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह मंगा ली थी सब लोग, तो सब लोगों ने यही इंजॉय कर ली थी। और अब खाना पीना खा के बस हम लोग बैठे हैं यहाँ पर रिलैक्स, बस बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चियाँ तो बहुत खुश थी, बच्चियाँ कह रही थी कि अप्पी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है। बच्चियाँ तो पता है यही कह रही थी अप्पी आज अम्मा का बर्थडे है, आज बाबूजी का बर्थडे है, तो बस। तो जी ये देखें
अब यहाँ पर आ गई आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम टाइम। और बस यहाँ पर हम लोग अब आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। और आइसक्रीम में यहाँ पर थी वनीला फ्लेवर और बटर स्कॉच, तो दो तरह के फ्लेवर मंगाए थे क्योंकि बच्चों को जो है वो बटर स्कॉच पसंद होता है और बड़े लोग जो है वो वनीला वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जी यहाँ पर बस हम सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और आप लोग बताइएगा आप किस शहर से हैं और आपके यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। तो जी अभी इतनी हमारे यहाँ तो इतनी सड़ी वाली गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ख़तरनाक गर्मी हो रही है। और बस ये है कि जल्दी से अल्लाह ताला ये टाइम गुजारे और जल्दी से बरसात आए और फिर उसके बाद ठंडों का टाइम शुरू हो जाए। तो जी ये है मेरी आइसक्रीम, मैंने सबको आइसक्रीम बांट दी और अब मैं खाऊंगी अपनी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो कोई भी पार्टी बिना आइसक्रीम की अधूरी होती है। और जी अब देखें अब जा रहे हैं हम अपने घर क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 का टाइम हो रहा है और घर जाते हैं जल्दी से क्योंकि कल मंडे है, बच्चों का स्कूल भी है। तो बस आज की वीडियो में यही था। तो जी मेरी वीडियो, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है? अगर मेरी ये वीडियो, मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ठीक है जी। तो बस अब हम चलते हैं अपने घर और आपसे मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।